सर्दी का मौसम है और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिस घर में अभी नए वाले आलू और पालक नहीं आ रहे होंगे। सब्जी मंडी में जाइए तो अभी भर भर के नए वाले आलू और ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश आयरन से भरपूर पालक मिल रहे हैं। तो आज मैं वही नए वाले आलू और पालक की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट, सुपर टेस्टी और बहुत ही आसान तरीके से बनाई हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जैसा आप लोगों को दिख रहा है इससे कई गुना ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि ये सुपर टेस्टी आलू पालक की सब्जी कैसे बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। आलू पालक की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये छोटे साइज़ का आलू ले ली हूँ, उसके छिलके को हटा दी हूँ। और छिलके के हटाने के बाद एक आलू में मैं 2 पीस करूँगी। अगर बड़े साइज़ का आप आलू ले रहे हैं तो उसमें 4 पीस करें, मैं 2 पीस करूँगी। और सारे आलू को मैं काट कर देखिए तैयार कर दी। और ये आधा केजी पालक है, पालक के जड़ को मैं काट करके निकाल दी हूँ और अच्छे से पालक को धो करके ले ली हूँ। अब इस तरीके से थोड़ा थोड़ा उठाएंगे पालक को और इसे पहले 2 भागों में बांटेंगे, फिर इसकी बारीक बारीक कटिंग करेंगे। इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और आराम से बिल्कुल बारीक बारीक इसकी कटिंग करनी है। सब्जी को काटने के बाद नहीं धोएं, कोशिश करें सब्जी को धोने के बाद ही उसकी सब्जी की कटिंग करें। तो ये देखिए सारे पालक को मैं काट दी और अब गैस ऑन की हूँ, उस पर कढ़ाई रखी हूँ। इसमें डाली हूँ 4 बड़ी चम्मच तेल। आप जो भी तेल खाने में यूज़ करते हैं वो तेल डालें। और कटे हुए आलू, आलू को लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। तो ये देखिए आलू को मैं 5 से 7 मिनट के लिए भून ली हूँ और बहुत ही अच्छी आलू भुन गई है। अब थोड़ा बहुत जो कच्चापन होगा आलू में वो सब्जी के साथ ये गल जाएगा, पक जाएगा। तो अब वापस सारे आलू को कढ़ाई से निकाल देंगे दूसरे प्लेट में। और ये मैं एक दूसरा कढ़ाई ली हूँ, इसमें डाली हूँ 4 बड़ी चम्मच तेल और उस 1 चम्मच जीरा। जीरा जब चटक जाएगी तो मैं पूरी 1 गांठ लहसुन ले ली हूँ और लहसुन को मैं बारीक बारीक कटिंग कर दी हूँ, क्योंकि आलू पालक की सब्ज़ी में लहसुन का जो है स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और 4 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, अदरक को मैं ग्रेट करके ले ली हूँ। और लहसुन को गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। तो ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है लहसुन में। अब मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज ली हूँ, इसे डाल दूंगी। और प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है, प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे। लहसुन को गोल्डन कलर आने तक भूनेंगे और प्याज को ट्रांसपेरेंट कलर आने तक भूनेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गया है, प्याज भी अच्छे से भून गया है। अब इससे ज़्यादा प्याज को नहीं भूनेंगे। अब मैं इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली हूँ, उसे डाल दूंगी। इससे सब्जी की कलर अच्छी आती है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इस सब्जी में ज़्यादा मसाला का यूज़ नहीं करेंगे। मिला देंगे अच्छे से और थोड़ी देर के लिए सूखे मसाले को भून लेंगे। तो ये देखिए सूखे मसाले भून गए हैं। अब मैं 2 बारीक कटा हुआ टमाटर ले ली हूँ, इसे डाल दूँगी। और स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे टमाटर को डालने के बाद। और स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे एक बार और फिर ढक करके 5 मिनट के लिए मसाले को और भुनेंगे, ताकि 5 मिनट में टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मसाले बिल्कुल तेल से अलग हो गए हैं। ये देखिए तेल जो है मसाले से अलग हो गए हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब एक बार और मिक्स करेंगे मसाले को, उसके बाद फ्राई किए हुए आलू को डालेंगे। तो ये देखिए मैं आलू को डाल दी
और आलू डालने के बाद एक बार और इसे मिलाएंगे और फिर बारीक कटे हुए पालक को भी ऐड करेंगे इसमें। तो ये पालक को भी मैं डाल दी और मिक्स करेंगे एक बार और सब्जी को ढक करके 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ये देखिए 5 से 7 मिनट के लिए सब्जी को पकाएंगे। तो 7 मिनट हो गए हैं और सब्जी जो है परफेक्ट पक गई है, पालक गल गए हैं अच्छे से और आलू तो ऑलरेडी फ्राई किया हुआ था और भी पालक के साथ और भी ज़्यादा अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, और डालने गरम मसाला और धनिया पत्ता डालने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। इसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे। धनिया पत्ता डालने के बाद एक बार और मिला देंगे सब्जी को। तो ये देखिए आधा छोटी चम्मच में गरम मसाला डाल दी और मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, फिर गैस को ऑफ कर देंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब गैस को ऑफ कर देंगे और फाइनली ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म आलू पालक की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हुई है। इस सब्जी को आप पूरी, पराठे या रोटी, राइस किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।